दोस्तों स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ WCC 2 का न्यू अपडेट के रिलीज डेट के बारे में। और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसने ऐसा टाइटल क्यों रखा है जो गेम है रिलीजिंग इन फ्यू आवर्स, तो दोस्तों ये रहा वो रीजन जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसलिए मैंने ये ऐसा लिखा है कि जो रिलीजिंग इन फ्यू आवर्स, तो आपको बस करना है क्या, इस रीजन को भी अगर आपने जानना है तो वीडियो आपको पूरी अंत तक देखनी है ताकि आपको सारी डिटेल्स पता लग सके इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी लेटेस्ट गेमिंग वीडियोस लाता रहता हूं, और साथ में उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, उससे होगा क्या आप मेरी सबसे पहले गेमिंग वीडियोस देख पाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं WCC 2 का न्यू अपडेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इनका एक फेसबुक पे जो पोस्ट था वो दिखा देता हूँ, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन्होंने अपने फेसबुक पे जो पोस्ट किया, मैं आपको इसको शॉर्ट में पढ़ के हिंदी में बता देता हूँ कि क्या बताया इस पोस्ट में इन्होंने। तो दोस्तों इस पोस्ट में इन्होंने ये बताया कि जो इनका हाइलाइट्स है, यानी कि जितने भी हमारी जो हम गेम जो हमने खेली है, अगर हमने कोई उसमें सेव मैच यानी कि हाइलाइट जो उसकी सेव की है तो वो सारी डिलीट हो जाने वाली है जब हम इस गेम को अपडेट कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको उसका बैकअप बनाना है तो आप किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर से बैकअप बना सकते हो, तो जल्द से आप बैकअप बना लीजिए अपने हाइलाइट्स का अगर आपने कोई हाइलाइट इसमें सेव करी है, क्योंकि दोस्तों ये जो नई अपडेट में जितनी भी हाइलाइट्स हैं सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों हाइलाइट का जो फीचर है वो डिलीट नहीं होगा, हाइलाइट का फीचर हमें मिलेगा लेकिन जो हमारी पुरानी हाइलाइट्स हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी दोस्तों। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द फेसबुक पे ये कहा है इन्होंने कि जल्द से जल्द इनका बैकअप बना दो ताकि आप अपनी जितनी भी हाइलाइट्स हैं उनको नहीं खो पाएंगे। तो फिर दोस्तों इसी कमेंट, अगर आपने ये इसके कमेंट्स अगर पढ़े होंगे इस पोस्ट के, तो इसी कमेंट में एक यूजर ने इनका एक पोस्ट यानी कि एक यूजर ने इनको मेल किया था जीमेल पे, तो उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने चढ़ाया। तो उन्होंने लिखा है कि सर आई सॉ योर पोस्ट ऑन फेसबुक ऑफिशियल पेज, तो ऐसा सब लिखा है कि क्या हमें गेम जो है रिक्वेस्टिंग टू सेव WCC 2 हाइलाइट सर, इट्स अ हिंट दैट WCC 2 बिग अपडेट विल बी लॉन्च इन फ्यू मिनट और फ्यू आवर्स, प्लीज सर रिप्लाई मी। तो दोस्तों इसने ये लिखा कि आप क्या ऐसा हिंट दे रहे हो कि जो गेम है वो फ्यू मिनट या फ्यू आवर्स में रिलीज होने वाला है। तो फिर इन्होंने दोस्तों उसको रिप्लाई में लिखा येस इट इज बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू लॉन्च। तो दोस्तों इन्होंने लिखा कि जो हमारी गेम है जो वो लॉन्च होने को आ गई है, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये इसका सब बैकअप बना लो क्योंकि हमारी जो गेम है वो किसी भी समय में अपडेट आ सकता है उसका, तो जल्द से जल्द आप इसका बैकअप बना लो ताकि आप कोई भी हाईलाइट नहीं खो पाओगे। तो अब दोस्तों यहां से बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि जो गेम है वो आज भी आए, लेकिन दोस्तों 90% चांसेस तो नहीं है आ जाने के, क्योंकि दोस्तों जो इन्होंने क्योंकि जो इनका जो अपडेट है वो तो कुछ 10-15 दिन के बाद ही आएगा क्योंकि इन्होंने अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी इस मेल में इन्होंने ऐसा सब लिखा है तो क्या पता आज भी आ जाए। लेकिन दोस्तों 10-15 दिन के बाद हमें जो गेम है देखने को जरूर मिलेगी, 10-15 दिन यानी कि दोस्तों मार्च की एंडिंग या फिर दोस्तों अप्रैल की स्टार्टिंग में लगा लो आप, 1 से लेकर 5 अप्रैल तक हमें जो गेम है अपने एंड्रॉइड डिवाइस के लिए खेलने को मिल जाएगी, जो इसका अपडेट है वो 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आशा करूंगा आपको मेरे वीडियो में आप सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आपको मेरे वीडियो में सब कुछ समझ में आ चुका है तो मेरे इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरा नाम है तुषार, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।